अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं मशहूर और मारूफ रुबाई गो शायर उमर खयाम की वफ़ात के बारे में दिलचस्प हिस्टिकल बातें बताएंगे। चलो जानते हैं इसके की मजाजी बुअद अबश न बुअद चू आती से नीम मुर्दा ताबश न बुअद आशिक बायत की शाल ओ माह ओ सब ओ रोज आराम ओ करार ओ खुर ओ ख्वाबश न बुअद। दुनियावी इश्क यानी मिजाजी इश्क में वह चमक और रोशनी नहीं होती जो खुदा से इश्क में होती है। वह अद जली आग की तरह है जिसका पूरा जलने की वजह से उसमें वह ताब या ताकत नहीं होती जैसी होनी चाहिए। आशिक तो ऐसा होना चाहिए जो सालों साल और महीनों क्या हर एक पल परेशान ओ हैरान और बेचैन रहे। आलमी फारसी रुबाई गो शायर उमर खयाम अपने ऐसी ढेरों रुबाइयों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके इल्म ओ फजल का एतराफ अल अहल ए ईरान से पढ़कर अहल ए यूरोप तक ने किया। कहा जाता है किसी वक्त सूफी का खानकाहों में आने वाले नए तोलबा यानी न्यू स्टूडेंट्स को उमर खयाम की रुबायात पढ़ने के लिए दी जाती थी और उनसे पूछा जाता था कि आपने क्या समझा। बच्चे को जवाब पर यह तय होता था कि उन्हें खानकाह में दाखिला मिलेगा या नहीं। भारत में रुबायात का अनुवाद हिंदी के साथ साथ और भी कई भाषाओं में हुआ है। हरिवंश राय बचपन का अनुवाद खयाम की मधुशाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी रुबायात से प्रेरित होकर ही उन्होंने बाद में मधुशाला लिखी जो हिंदी की एक अमर कृति है। उमर खयाम ने रुबाइयों के अलावा इस्लामी इल्म नज़ूम को भी एक नई शिनाख्त दी थी। इनकी इस्लाहत की वजह से ही जलाली संवत या सेल्जुक संवत का आगाज़ हुआ था। मौजूदा ईरानी कैलेंडर जलाली कैलेंडर की ही एक मयारी शक्ल है। इसके अलावा उमर खयाम ने ज्यामिति बीजगणिति में भी काफ़ी काम किया। उन्होंने अलजेब्रिक समीकरणों के ज्यामिति हल पेश किए। इसमें हाइपरबोला और वृत्त जैसी ज्यामिति रचनाओं और द्वारा क्यूबिक समीकरण के हल शामिल है। ऐसे ही हिस्टिकल बातों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।